तो खुद ब खुद के बीज बोए जाएंगे उनको लगेगा कि हम सब मिल के काम कर रहे हैं हमारे एक जैसे हकूक है हमें एक जैसी तवज्जो मिल रही है हम सब एक साथ हैं सो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज रिलेटिंग टू एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट एंड पेरेंट्स डिसीज़न डिसीशन तो क्या करना है कि बच्चे छोटे बच्चे जो हैं उनके भी हकूक हैं उनसे मिलके डिसीजन मेकिंग की जानी चाहिए क्लास के अंदर भी घरों के अंदर भी अगर वो किसी चीज़ से मुतफिक हैं गैर मुतफ़ हैं तो उसके ऊपर उनके साथ नगोसिएशन की जानी चाहिए उनको ऑप्शन दिए जाने चाहिए किसी को जबरदस्ती कर्ब नहीं किया जाना चाहिए अनटल अनलेस के कोई इस तरह की बात हो जो उसके लिए उसके फैमिली के लिए या माशरे के लिए खतरनाक हो वरना बाकी चीज़ों में उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो चीज़ें देखें अब ये जो डिसीशन बड़ों ने लेने हैं उन्होंने अपने बच्चों की बराबरी के लिए लेना है तब भी वो आगे जाके एक बराबर माशरा तश्कील पा सकते हैं Then be alert to assumptions and language. हम ये कह रहे हैं जिनको हम यहाँ एजम्पन्स कह रहे हैं प्रीवियसलीपिकल था uh, हमें कुछ भी असीुम नहीं करना हर शख्स की सलाहियत दूसरे से अलग है और हर शख्स की सिचुएशन या उसके हालात वाक्यात दूसरे से अलग हैं इसलिए सब उस हक है कि वो अपने हालात के मुताबिक डिसीशन करें और आगे बढ़ें पर्सन so, इज kind of अब होता यह है कि जो आप कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर बच्चियां आगे बढ़ रही हैं मेहनत कर रही हैं वो बड़े और अच्छे कामयाब शोबों में जा रही हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में जा रही हैं इंजीनियरिंग में जा रही हैं डॉक्टरशिप में जा रही हैं वो कहीं भी जा रहे हैं अगर वो मेहनत कर रही हैं तो उनका रोकने का किसी को हक नहीं और अगर इसी तरह लड़के बहादुरी से स्ट्रगल करके ऊंचे मुकामात को पा रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई जो जो है, वो नहीं कर लेनी चाहिए, आप ये कहते हैं कि जनाब अच्छा ये खातन जो है वो नहीं कर सकते, तो एक बच्ची जो है उसको आप कह सकते हैं कि तुम बच्ची हो तो तुम्हें तो इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए भाई यही मैं अर्ज़ कर रही हूँ हालात वाक़ात इस बात का फ़ैसला करेंगे कि किसी को कैसा बिहेव करना है और हर किसी ने अपनी ज़िंदगी के जो भी जारगौन है हम कहते हैं ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हर किसी को अपना अपना जारगौन दिया है और वो उसके अंदर काम कर रहा है हालात मुख्तलिफ़ हैं तो लोगों के रिएक्शन भी अलग अलग हैं आपने देखा होगा कि कहीं कोई अग्रेसिव है तो या उसके साथ कोई और साइकोलॉजिकल उसका बैलेंस कहीं पर ख़राब है तो आप उसके पीछे वाक्यात भी तो देखिए पता नहीं उसके साथ क्या क्या वाकयात पेश आए होंगे तो हम किसी को नहीं करते बल्कि हम ये कहते हैं कि जो जितनी मेहनत कर लेगा जितनी स्ट्रगल कर लेगा जितनी ज्यादा सलाहियतों का इजहार कर लेगा वो उतना आगे आ सकता है उसको उसका हक है सो अ चाइल्ड हु इज सेंसिटिव टू इवेंट्स एंड ईजिली मूव टू टीयर्स इज नॉट इमेर बिकॉज ही आप ये फैसला नहीं धर सकते कि भाई एक लड़का जो है चूंकि रो पड़ा है इसलिए ये इमेचोर जैसे मैंने अर्ज़ किया ये भी है भाई मर्द रोते नहीं मर्द इमोशनल नहीं है मर्दों को खाना नहीं बनाना या मर्दों को बच्चों की तरबियत नहीं करनी हालांकि हर किसी की अपनी सिचुएशन है उसको जो ज्यादा सूट करता है वो कर सकता है और बहसीयत इंसान अगर किसी को दुख पहुंचता है तो उसको रोने का भी हक होना चाहिए इसी तरह किसी को हंसने का भी हक होना चाहिए तो ये जो सारी हम एडल्टड के अंदर आके प्रॉब्लम्स देखते हैं बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन है बहुत ज़्यादा डिवीन है और चीज़ों की इसको मिटिगेट करना चाहिए और ये अर्ली एजुकेशन से होगा जब बच्चे एक साथ पलेंगे बढ़ेंगे एक बराबर के माहौल में एक दूसरे का ख्याल करते हुए एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे की डाइवर्सटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए तो आने वाली ज़िंदगी में जब वो बालिग अफराद होंगे तो वो अपने माशरे को भी ऐसे ही एक्सेप्टेंस देंगे और ऑल्ट्रोज़म का हेल्प करने का मॉरेटी का एथिक्स का दर्स बचपन से दिया जाएगा तो बड़े हो के लोग संभल के एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे और वो जो हम इेगुलरिटीज ज़िंदगी में देखते हैं अपने चार चफेरे ऑनेस्टी नहीं है डेडिकेशन नहीं है लोग एक दूसरे को हकूक जो हैं वो तलफ कर रहे हैं ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर बच्चे को बचपन से ही ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस भी करवाई जाए सिखाई भी जाए और उसी में उसको पाला जाए